अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबा देना कि आप लोगों को हमारी वीडियो बर वक्त मिलते रहे। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर टैम मोरिजा। जैसे आप लोग को मालूम है, एक रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और इसकी पहले भी हम लोग अपनी वीडियो टॉप 5 लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। आज की वीडियो में ये एक रशिया में एक अबांडेड जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था और पहले की तरह कई जगह पर कैमरा प्लेस करके और जब इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। Тут есть что-нибудь? Он настроен на тут. और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसने सेंसर लाइट मेन डोर के सामने लगाया था और उसमें एक शैडो फिगर गुजरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम लोग सेंसर लाइट को देख के और उसके मेन डोर को देखे तो उसमें सिर्फ 8-10 फुट का फासला है और पीछे ऐसे कुछ लाइट भी नहीं है कि हम लोग समझे कि पीछे से कुछ बंदा गुजरा होगा। और उसकी थोड़ी देर बाद उसके कैमरा ने डोर के सामने फोटो खींचना शुरू किया क्योंकि वो कैमरा ऑटो मोड पर था और उसने अपने ऑडियंस को उसका डेमो भी दिखाया। लेकिन जो ही वो फोटो कमरे के अंदर लेके जाकर चेक करता है तो कुछ अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पता नहीं मैं कुछ भी Удар в окно. Да что за нафиг? Я не понимаю сейчас. Удар сначала в это окно, потом в то. Сейчас два удара. По-моему, в это окно было. Следов не вижу. Чё за нахер? Да, может. Попробуй, пойду, попробую проверить. Thank you.
Да блин. Что это было? और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कमरे में दाखिल होते ही चारों ओर एक्टिविटी शुरू हो गई, तो वो बंदूक उठाकर बाहर की जानिब गया और चेक किया कि एक्टिविटीज कहां से हो रही है। तो अचानक खौफनाक आवाज सुनने के साथ वो डरकर फायर करना शुरू की और ये आवाज उसने दोबारा सुनी और दोबारा उसने वहीं पर फायरिंग की और डर के मारे घर के अंदर दोबारा दाखिल हो गया। लेकिन ये एक्टिविटीज ना रुकी और हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिला। Я вообще не знаю, что происходит. Там есть кто-нибудь? Вижу никого. Там есть кто-нибудь? Дверь дергается. और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कमरे में दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई और मेन डोर के सामने अलार्म पड़ा हुआ था वो भी बजना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद मेन डोर के सामने कैमरा पड़ा हुआ है वो भी गिर जाता है। तो टैमुरदा काफी खौफजदा होकर दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और दरवाजा अचानक उसके सामने खुल जाता है। वो खौफ के मारे फायरिंग करना शुरू करता है। टैमुरदा इतना घबरा जाता है कि वो पूरा सामान पैक करके इन्वेस्टिगेशन क्विक करके यहीं से रातों रात निकलता है। तो इतनी एक्टिविटीज को देखकर मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो काफी रियलिस्टिक है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना और ऐसे खौफनाक और एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए टैमुरदा का चैनल का विजिट जरूर कर लो। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर अहमद सालीम, जो एक अरबिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और जिसका ताल्लुक जॉर्डन से है। आज की रात वो एक अबांडेड घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया और काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहा। دار الزلم اللي دنا على الموقع هي هالطاوية ورا بقدرش اضوي عليها هذا كمان شايفين طلعوا مكبرها ما بعرف تخلص بسلسلة ولا بسلسلتين بصراحة كثير موقع كبير أكثر من 10 شقق يلا دعواتكم يا حبايب القلب رح نبدأ خلصنا موقع المغامرة رح نكمل هسه يلا دعواتكم تشير السناب على قد المحبة يسعد لي قلبكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله طلع الشباك بفتح وسكر وحياة رب العزة بفتح وبسكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هيا هيا شايفين بس مش قادر استنى
هي 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 يمه يجي دقيقة. هذولا راح اتركهم ماشي يا اخوان، اتركهم راح اتركهم في ثلاث شقق هون. اطلع اللي فوق في صوت وحياة الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسألني واحدة فيهم. और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो अबैंडेड घर की नज़दीक पहुंचता है तो वो बाहर की ओर से वीडियो करना शुरू करता है तो खिड़की में एक खाली परछाई दिखाई देती है जो उस टाइम वो नोटिस नहीं करता और थोड़ी देर बाद वही खिड़की से दोबारा कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो फौरन जाकर अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो कुछ ये नज़ारा देखने को मिलता है। والله ما انا عارف هاي ولا هاي، قسما بالله ما انا عارف. ها هيو بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيو هيو ها ها صوت ايوه. और जैसे आप लोगों ने देखा कि अंदर जाते ही वहां पर दो फ्लैट है जो पहले फ्लैट के अंदर जैसे ही वो अंदर जाता है तो आप लोग देख सकते हो कि काली परछाई दरवाजे की नज़दीक अपने आप को जाहिर करके फिर गायब हो जाती है। वो फौरन जाकर उसी जगह चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता तो अचानक उसके पीछे दरवाजे का लॉक हिलता हुआ नजर आता है और जो ही वो दूसरी फ्लैट की इन्वेस्टिगेशन करता है तो कुछ ये खौफनाक नज़ारा हमको देखने को मिलता है। بسم الله الرحمن الرحيم. يابا بسم الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم وحياة رب الكون البلد الصغير هرب. और जैसे ही वो दूसरी फ्लैट की जानिब बढ़ता है तो आप लोग देख सकते हो कि हैवी मैट्रेस गिरने के साथ एक खाली परछाई वहीं से निकलकर दूसरी ओर चली जाती है। वो फौरन जाकर चेक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और अगर आप लोग गौर से देखो तो एक बच्चे की आकार की परछाई थी तो क्या वाकई में वहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है और या ये वीडियो अटेंशन के लिए बनाई गई? आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल का भी जरूर विजिट कर लो। ये अगली वीडियो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज की है जिसको अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर एक्सट्रैक्ट लैब जो एक बंदा अपने मामूल की ड्यूटी पर था और ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई। Thank you.
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो शख्स अपने काम पर मसरूफ था और उसके पीछे कुछ कप पड़े हुए थे, उसमें से एक मुंह होते हुए नीचे की जानिब गिरता है। वो काफी हैरान होता है और अपने सुपरवाइजर को बताता है। सुपरवाइजर काफी गुस्से में दिखता है और जब क्लीनर आता है इस जगह की सफाई के लिए तो उसके सामने भी एक गिलास मुंह होता हुआ दिखाई देता है। जाहिरी तौर पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर करना। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था YouTube यूजर एरिक गनर, जो एक मैक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जहाँ पर एक औरत ने उसको इनवाइट किया था अपने घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका मानना था कि उसके घर पर काफी एक्टिविटीज होती है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसने औरत की चेहरे को छुपाया था और जब एरिक ने इसकी घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर करने में कामयाब रहा। Voy a ver si puedo subir tantito, a ver si no me meto en problemas. Voy a tratar de no hacer ruido para que no me vayan a escuchar. Fíjense que a mí me da más miedo la viejita que, no sé, me vaya a parecer un fantasma o algo así. Voy por ahí entre. Estamos aquí, pues, la cocina. Vamos a... Se supone que así como dijo ella y esta Natalie, pues se fueron de rápido ese día. No recogieron nada. Esta quizá es su abuelita. Su abuelita, su hermanita que decía. A ver para acá, a ver qué hay. Esos ruidos que se escuchan son lo que yo creo que decía ella, que se escuchaban arrastraban cosas. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Esa muñeca da miedo. ¿Me estará viendo? Vamos a seguir. Esta zona está medio peligrosa. No me fuera a parar una patrulla y me la vaya a encontrar y me meto en un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver el cuarto de allá atrás. Aquí ya vimos lo que hay. Así que hay. Pues nada. और जैसे आप लोगों ने देखा कि घर में एंटर होने के बाद उसको एक सफेद साया पर्दे के पीछे दिखाई दिया जो बच्चे की आकार का था, और थोड़ी देर बाद एक गुड़िया पड़ी थी जैसे ही वो कमरे के जानिब जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जब दोबारा आता है वो गुड़िया वहीं से गायब होती है। और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन करता है तो ये खौफनाक नज़ारा कैप्चर कर लेता है। Parece que se puede subir por aquí, pero está como sellado. ¿Qué pedo está esta casa rara? Bueno, está construida raro. ¿Qué es esto? Ah, son esos muñequitos de orugas. Miren cómo se nota que sí se fueron desde hace como 2 semanas. ¿Qué más? ¿Qué pedo? Veo que se movió. Veo que se movió. Thank you.
कि आप लोगों ने देखा कि टेबल पर कुछ खिलौने पड़े हुए थे। जैसे उसकी जानिब कैमरा फोकस करता है तो बेड के नीचे से जैसे कोई चीज मूव होता हुआ नीचे चला जाता है, और जैसे ही हॉलवे की जानिब बढ़ता है तो वहां पर एक पर्दा मूव होता हुआ दिखाई देता है। वो डर के मारे साइड में चला जाता है। जब दोबारा हॉलवे की जानिब आता है तो एक काली परछाई अलमारी के पीछे जाती हुई दिखाई देती है। वो घबरा कर यहीं से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, आप लोग देख सकते हो कि सीढ़ियों में कपड़ों में मलहूस एक शख्स ऊपर आ रहा था। वो उसे देखकर काफी घबरा गया और थोड़ी देर के लिए दरवाजे के पीछे चला गया। जब दोबारा चेक किया वो जगह को तो कोई नहीं था। तो हो भी सकता है कि उनके आसपास कोई पड़ोसी होगा, लेकिन बाकी एक्टिविटीज से तो लगता ऐसा है कि वाकई ये घर काफी हॉन्टेड है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपना राय का जरूर करना, और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल पर जरूर विजिट कर लो। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर लॉजिक लेबेकॉन, जिसका मानना था कि वो रात की 3 बजे अपने पेरेंट्स के डोरबेल कैमरे में कुछ ये नजारा कैप्चर किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि व्हाइट कपड़ों में एक शख्स जाती हुई दिखाई देता है, और अगर आप लोग गौर से देखो तो उनकी आकार बिल्कुल परछाई की तरह दिखती है। लेबेकॉन का मानना था कि ये उसने 3 बजे रात की सीसीटीवी पर कैप्चर हुआ है। तो अगर कोई इंसान है तो जब गाड़ी और किसी काम की गरज से गया तो वापस क्यों नहीं आया। अभी आप लोग डिसाइड कर लो कि वाकई में कोई मखलूक था और या ये कोई इंसान।